हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2021। बात करेंगे एक ऐसा मल्टी बैगर शेयर जो कि मदर्स एंड सुमी जियो सेक्टर में बिलोंग करता है। सेम टू सेम सेक्टर का ये शेयर है। आज की डेट पर दोस्तों शेयर स्प्लिट डिक्लेयर किया है, तो चलिए शेयर स्प्लिट से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं इस वीडियो में हम देखते हैं, और उसके साथ साथ इस स्टॉक के अंदर आपका क्या रणनीति होगा, बाई होल्ड सेल, हर एक पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं कंपनी द्वारा भेजा गया ऑफिशियली स्टॉक स्प्लिट की नोटिस के ऊपर। सबसे पहले हम ये नोटिस को दोस्तों अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट को। उसके बाद दोस्तों ये शेयर के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, फंडामेंटल पैरामीटर्स, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है या नहीं, साथ में रिटर्न्स का प्रोफाइल, टेक्निकल पैरामीटर्स, हर एक मतलब साइड से हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, स्टॉक ज़बरदस्त है, मदर्स एंड सुमी का जो सेक्टर है आपको पता होगा, जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाला, सेम टू सेम सेक्टर का है, मल्टीबैगर शेयर है। तो चलिए फटाफट हम सबसे पहले नोटिस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सबसे पहले कंपनी का देखिए एनुअल जनरल मीटिंग होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ स्टॉक स्प्लिट होगा। कब होगा? फ्राइडे 3rd September 2021 के दिन। ये डेट दोस्तों याद रखना, 3rd September 2021 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक मल्टीबैगर शेयर ने अपना स्टॉक स्प्लिट का नोटिस अनाउंस करने वाला है। मतलब कितना रेशियो में स्प्लिट होगा। आज की डेट पे अगर बात करें तो शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर, यानी 1:5 रेशियो में भी हो सकता है, 1:2 रेशियो में भी हो सकता है, 1:10 रेशियो पे भी हो सकता है। और उसी दिन दोस्तों कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग भी है। तो चलिए मैं आपको शेयर का नाम दिखा देता हूँ, बट उसके पहले दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपको गलती से भी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्प्लिट या कोई भी शेयर में बोनस शेयर या डिविडेंड को देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि आप फंस जाओ, ऐसा नहीं हो, ठीक है। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तभी जाके आप निवेश कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी का नाम है स्टील स्ट्रिप्स विल लिमिटेड। तो चलिए ये शेयर के ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि इसका रिटर्न्स का प्रोफाइल एंड बार की सारे पैरामीटर्स के ऊपर बेस करके मैं आपको मेरा राय बताऊंगा। जो राय है, मैं पहले ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट्स को देख के इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगे शेयर, फंडामेंटल स्ट्रांग लगे, तभी जाके आप निवेश करना। आज की डेट पे देखिए शेयर सुबह से थोड़ा नेगेटिव में चल रहा था, बट अचानक से ये जो स्पाइक आपने देख रहे हो दोस्तों, सीधा सीधा नेगेटिव टू अपर सर्किट लग गया है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट ये नोटिस आज आया था, तो जिसके कारण हमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया। शेयर की अगर बात करें तो ये मार्केट कैप वाइज एक स्मॉल कैप शेयर है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो दोस्तों पी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें 6 महीने का रिटर्न, दोस्तों आप चौंक जाओगे, इतना बढ़िया रिटर्न दिया है, 160% का रिटर्न दिया है 6 महीने के अंदर, कैन यू इमेजिन। अगर हम बात करें ईयर टिल डेट, मतलब इस साल में 2021 पे 219% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें एक साल का, तो आपके सामने है दोस्तों 282% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आप देख सकते हो जब से मार्केट में लिस्ट हुआ 5 से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 1000% के आसपास रिटर्न दिया शेयर। बीच बीच में यहाँ पे थोड़ा सा हमें वॉलेटाइल नज़र आया है, 2018 के बाद हल्का गिरावट आया शेयर में, बट उसके बाद से दोस्तों शेयर लगातार हमें ऊपर की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आया, यानी रिटर्न का प्रोफाइल दोस्तों काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। और ये शेयर आपको NSE BSE दोनों एक्सचेंज के ऊपर ही लिस्टेड मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे ये शेयर के ऊपर कुछ बिजनेस मॉडल जो कि आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों आपको ये नाम सुन के क्या लग रहा है, व्हील, व्हील मतलब जो कार का व्हील्स होता है या टू व्हीलर्स फोर व्हीलर का व्हील्स होता है, तो उसी पर्टिकुलर जो कंपोनेंट होता है उसके ऊपर ही कंपनी काम करता है। क्या बनाता है कंपनी प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए कंपनी बनाता है, मैन्युफैक्चर, डिज़ाइन एंड सप्लाई करता है स्टील व्हील रिम्स। रिम्स होता है ना, जैसे कि टू व्हीलर्स का रिम या फोर व्हीलर का रिम्स, एलॉय रिम्स व्हील फॉर अ वाइड रेंज एंड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑटोमोबाइल मेकर। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में कंपनी अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको सप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें मार्केट कैप के ऊपर बेस करके, ये एक स्मॉल कैप शेयर है, जिसके हिसाब से दोस्तों इसका पी वैल्यूएशन बहुत ही कम है, 18 के आसपास इसका पी वैल्यूएशन है।
आरओसी की अगर बात करें दोस्तों 9% के आसपास है, जो कि बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.5% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 480 रुपये बुक वैल्यू वाला शेयर भी है, 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है, जो कि स्प्लिट होने के बाद वो तो कम हो जाएगा, वो तो हमें 3 सितंबर की पता चल जाएगा। इसका ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 1742 रुपये पे, जो कि आज की डेट में आपको 1667 रुपये के आसपास मिल रहा है शेयर। ये शेयर की अगर हम बात करें तो देखिए जो सेक्टर में बिलोंग करते हैं वो सेक्टर में एकदम महाराजा है, मदर्स एंड सुमी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स वाला सेक्टर में। उसके बाद ब्रोच एंड मिंदा इंडस्ट्री जैसे एक्साइड इंडस्ट्री जैसे बड़े बड़े कंपनी वो सेम सेक्टर में बिलोंग करते हैं ये कंपनी भी, स्टील स्टेयर विल लिमिटेड। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर्स कैसा है, बाकी तो हमने देखा फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सारी पैरामीटर्स के ऊपर बेस करके फंडामेंटल तो अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग जरूर होना चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर फाइनेंशियल ईयर वाइज कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एक टाइम पे जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 10 पे कंपनी का टोटल सेल्स हुआ करता था 416 करोड़ रुपए का, वही देखिए ठीक 2-3 साल बाद बढ़ के हो गया 1000 रुपये के ऊपर, 1000 करोड़ सॉरी। उसके बाद देखिए 18 पे बढ़ के हो गया 1500 करोड़ का सेल्स। आज की डेट पर अगर बात करें इसी फाइनेंशियल ईयर पर देखिए लगभग 2300 करोड़ का सेल्स कर चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर मिला के। आप सोच सकते हो कि कितना ज़बरदस्त कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ का, तो जहाँ पे आप देखिए एक टाइम पे 15 करोड़ का टोटल फाइनेंशियल ईयर मिला के प्रॉफिट हुआ करता था, वही देखिए धीरे धीरे बढ़ा 24 करोड़, फिर देखिए 56 करोड़ का हो गया, फिर देखिए 82 करोड़, रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर पर देखिए 138 करोड़ का कंपनी से यहाँ पे प्रॉफिट कमा चुका है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, आपको रैपिडली ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी के पास दोस्तों अच्छा खासा रिजर्व भी है 734 करोड़ रुपए का, यानी एक 2500 करोड़ की कंपनी के ऊपर अगर हम 700-750 करोड़ का रिजर्व की बात करें तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिजर्व है। साथ साथ ही कंपनी का जो यहाँ पे देखिए जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा दोस्तों कंपनी का जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपना जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ाया है। एक टाइम पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 18 पे सितंबर क्वार्टर में जहाँ पे 57 के आसपास प्रोमोटर का हिस्सा था, स्टेक था, वही देखिए इस जून क्वार्टर के मुताबिक 62% के ऊपर आ चुका है। FIIs ने धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहा है, देख सकते हो, जहाँ पे DIIs ने हल्का फुल्का घटा रहा है, बाकी पूरा का पूरा शेयर यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो बेसिकली कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करता जाएगा तो कंपनी यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है DIIs FIIs वो लोग अभी अट्रैक्ट हो जाएगा, तो कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगा। बट सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तभी आप जाके निवेश कीजिए, क्योंकि इसी जो स्टॉक स्प्लिट बोनस शेयर या डिविडेंड इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है दोस्तों। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, जो लोग ग्राउंड लेवल पे शेयर को खरीदा है मतलब बहुत ही निचले स्तर पे, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज़ आपको अगर यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट बोनस शेयर ये सब को देख के निवेश करते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे नुकसान ही होगा, क्योंकि शेयर स्प्लिट होने के बाद शेयर में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिला और फटाफट आपको जो स्प्लिट का एक्स्ट्रा शेयर वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी नहीं होता, क्रेडिट होते होते ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग जाता है। तो जिस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब को देख के इन्वेस्ट मत करना, अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तभी जाके आप इन्वेस्ट कीजिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट के पहले आप खुद भी एक बार अच्छे से स्टडी करना, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करना। वीडियो कहीं पर वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।